ये है मुंबई का नंबर वन रेस कोर्स, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रेस लगाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यार सुबह को 9 बज गया है और कल जो है मैं कल शॉपिंग करने गया था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि इसलिए ट्राईपोड भी भूल गया था, माइक भी भूल गया था। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे नॉर्मली शूट करता हूँ तो कितनी सारी आवाज़ें आती हैं मार्केट में, ये बात आप सभी को तो अच्छे से पता है, क्योंकि 23 को गाँव जाना है ना, तो उससे पहले घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करना पड़ता है, क्योंकि मैं 1 साल के बाद गाँव जा रहा हूँ, कुछ कपड़े वगैरह लेकर हमेशा जाता हूँ। और क्या है कि अभी आया हुआ हूँ इधर ही, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी टाइम है तो ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दो, 9 बजे से शाम तक शूट करते रहो तो ठीक रहता है, वैसे फिर जल्दबाजी वाला काम ठीक नहीं रहता है ना। तो यार बस यहाँ पे अभी मैंने देखा था जंगल में, तो पीछे लगी है बेर, तो बेर थोड़ा तोड़ के लाते हैं खाते हैं, क्योंकि गाँव में तो मेरे खेत में बहुत सारी बेरी हैं, तो बेर वगैरह खा लेता हूँ तोड़ के, लेकिन यहाँ पे मैं देखा हूँ तो खा के आता हूँ, देखते चलते लगे हैं कि नहीं लगे। यार लगे तो हैं, देखो ये कितना अच्छा लगा हुआ है, और पके लगे हैं, ये देखिए ना, ये भी लगे हुए हैं, और ये देखिए कितना मस्त लगा हुआ है। अरे टूट जा भाई, ये देखो, आहा, खा के देखते हैं कैसा है, देख के खाना चाहिए क्योंकि कीड़े होते हैं ना, खट्टा है लेकिन अच्छे हैं। जंगल है, संभल के तोड़ना पड़ेगा, मालूम पड़े सांप वगैरह बैठा हो नीचे और मैं इसके ऊपर पैर रख दूं। इधर भी कितने सारे लगे हुए हैं, ये देखो कितने मस्त लगे हुए हैं, ये भी तोड़ लेता हूँ। इसका जो कांटा है ना बहुत नोकीला है, वो छोटा है ना तो बॉडी में बहुत जल्दी लग जा रहा है, देखिए थोड़ा सा लगा है और बहुत दर्द करता है। ये जंगली है ना, इसके लिए इसमें कांटे ज़्यादा हैं, जो गांव वाले होते हैं उसमें कांटा तो होता है लेकिन इतनी जल्दी लगता नहीं है ना। खट्टा बहुत है भाई, ये सही है, उससे ये ठीक है क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, सही है। बहुत सारे तोड़ लिया मैंने यार, ये देखो कितने सारे तोड़ा मैंने, अभी खाऊंगा बैठ के, समझ के भाई टूट मत जाना यार। यार मैं अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लड़के अच्छे मिल जाएं तो अपनी शॉर्ट वीडियो बनाऊं और शॉर्ट स्टोरीज बनाऊं छोटे छोटे, मुझे बहुत शौक़ है बनाने की। बट एक दोस्त है अमित, तो अपना एक दोस्त है ही है, तो वो तो रेडी हो गया है, वो तो कैमरा ले लिया है, तो अभी कह रहा था कि वो गए बाहर किसी काम से, तो शायद कल या परसों आएगा, तब तक मैं मुंबई से गाँव चला जाऊँगा। और एक दोस्त है जो मैंने बताया था ना आप लोगों को एक वीडियो में, पिछले वीडियो में, आलम, जो TV सीरियल में उसे काम मिला था, काफ़ी काम किया है ना, तो वो भी कह रहा था कि वो भी फ्री हो जाएगा, तो 3 लोग हम रहेंगे, शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे मस्त मस्त और आपको देखने को मिलेगा उस पर। तो यार चलते हैं घर पे क्योंकि रेडी होना है, उसके बाद में देखते हैं कहाँ पे जाना है, तो आप सभी को बताएंगे। ओके, पता है जब 1 साल के बाद में कोई अपने गाँव जाता है, भले ही कितने भी बड़े शहर में रहे, हम तो बहुत छोटे शहर में रहते हैं, लंदन अमेरिका में भी लोग रहते हैं जहाँ की पैदाइश होती है, चाहे वो जंगल की ना हो, बट वो जंगल में भी ना उसका गांव हो, बट वो यादें और वो खुशियां जो जहां पे हम पैदा होके बड़े होते हैं वो अलग ही होती है दोस्तों। अभी 1 साल के बाद जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है रियली, मैं आपको कैसे बताऊं। तो बस मैं सोच रहा हूँ जल्दी 23 तारीख आए, मैं जल्दी ट्रेन में बैठूँ, फटाक से निकलूँ, और बस लड्डू फूट रहे हैं मुँह में, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अभी हाजी अली के पास में खड़ा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पे आना था किसी काम से, हाजी अली के पास ही काम था, तो मैंने दोस्त की गाड़ी मांगा था, और अभी हम जा रहे हैं महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी क्या है आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और चलते हैं वहाँ पे। अगर लॉकडाउन के
वजह से अगर बंद नहीं किया गया होगा तो हम महालक्ष्मी का आप लोगों ने सुने होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, जो घोड़ा की रेस लगाते हैं, ठीक है, तो फिल्मों में नहीं रेस लगाते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग पैसा लगाते हैं, जो घोड़ा जीतता है उसको मतलब विनर माना जाता है, उससे पैसे बहुत सारे मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं महालक्ष्मी रेस कोर्स। तो अपन चलते हैं महालक्ष्मी रेस कोर्स, आप सभी को दिखाते हैं, अगर हमें जाने देते हैं तो रेस कोर्स कैसा दिखता है वो आप सभी को दिखाता हूँ मैं चल के। और तो अभी हम हाजी अली के बिल्कुल ठीक रोड पे ही खड़े हैं, देख सकते हैं ये रोड है, और यहाँ हम सीधा जाएंगे और यू टर्न लेके इसी से रास्ते से वापस आएंगे, फिर ऐसे निकल जाएंगे, फिर हाजी अली महालक्ष्मी तो इस तरफ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन चांस होगा वहाँ पे गेट है, बैक गेट, अगर वहाँ से जाने के लिए वॉचमैन हमें जाने देता है तो वहीं से निकल जाएंगे, वैसे फिर हम पीछे से जाएंगे। ये महालक्ष्मी की कॉलोनी है, ये राइट साइड में देख सकते हैं, ये एक कॉलोनी ही है, लेकिन हमें आगे से 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न मिलेगा, बाकी सिग्नल के बाद जो अभी सेकंड सिग्नल पड़ेगा वहां से हम यू टर्न ले लेंगे। यहां से जो है आपको दिखाता हूं मैं, देखिए रेस कोर्स है, अगर गेट, हाँ गेट तो शायद, देखो ये रेस कोर्स है पूरा वहां पे, और ये गेट है सामने की, लेकिन ये गेट बंद है तो हमको यहाँ से वॉचमैन नहीं जाने देगा, तो वो सामने सिग्नल है वहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। और पता है अभी जब से मिनी लॉकडाउन हुआ है ना, तब से इन रोडों पे आप देख ही सकते हैं ट्रैफिक बहुत कम है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी कि रोड भी नहीं दिखते था, सिर्फ कार ही कार दिखती थी। अभी हम इस सिग्नल से यू टर्न ले लेंगे, देखिए ये है सिग्नल, लेकिन हमें यहाँ से तो चांस अब नहीं मिलेगा, यहाँ से चांस तो अब नहीं मिलेगा, मुझे आगे से लेना पड़ेगा यू टर्न, देख सकते हैं सामने यू टर्न बंद किया हुआ है, यहाँ पे मास्क लगा के ही चलना पड़ता है और हर जगह जगह पकड़ते हैं, पकड़ लिए तो 300-400 रुपये पेनल्टी हो देनी पड़ती है, और अगर आप उनसे बहस करेंगे तो फिर नहीं दे सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि मास्क नहीं है पकड़ लेते थे, लड़ाई करते थे वो लोग, बट अभी कैसा हो गया है कि पकड़े तो पहले सेल्फी क्लिक करेंगे, सबूत दिखाएंगे, हाँ भाई देखो ये आप मास्क नहीं लगाए थे और इसका आपको पेनल्टी देना है, तो ये तो सबसे ये हो गया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं दिया है पेनल्टी, क्योंकि मैं हमेशा मास्क लगा के चलता हूँ, लेकिन लोगों को मैंने देखा है ना, तो इसके लिए कह रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो यू टर्न ले लिया है, जा ही रहा हूँ मैं, ये महालक्ष्मी की जो मेन गेट है पीछे का ये यही वाला है, बट ये बंद किया हुआ है, ये तो यहाँ से नहीं जाने देंगे हमें, एक दूसरा भी गेट है वो खुला होगा तो देखते हैं, चांस है तो चलते हैं फिर, हाँ खुला है यहाँ से हम जा सकते हैं अंदर। तो ये महालक्ष्मी आ गए दोस्तों पीछे के ही गेट से, देख सकते हो, और ये रेस कोर्स है पूरा घोड़ों का, ये रेस कोर्स है सामने, और ये पीछे यहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, जब रेस कोर्स रेस होती है तो सब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको, सब आते हैं मुंबई के लोग यहाँ पे, और ये है रेस कोर्स, देखो घोड़े भी जा रहे हैं यहाँ से, तो मतलब है तो यार मतलब गजब का ही। तो ये जो रेस कोर्स है ना बहुत बड़ा है और ये जाली लगाया हुआ है, तो यहाँ से दिक्कत है, आगे से देखते हैं कहीं चांस मिलता है तो चलेंगे, और काफी बेहतरीन है, काफी बड़ा है, देख लीजिए बिल्डिंग्स हैं आपको दिखाई देंगी सामने, हाँ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग करेंगे, देखेंगे चल के थोड़ा सा चांस मिलेगा तो आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये सब जालियाँ लगी हुई हैं और गेट बंद है, लॉकडाउन के वजह से जो है यहाँ पे गेम नहीं चल रहा है, वैसे जब जब मैं आया हुआ हूँ तो हमेशा देख सकते हो अंदर रेस चलती रहती है और हर एक घोड़े पे नंबर लगे होते हैं और काफ़ी मज़ा आता है देखने से, लिए जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है, आपको बस यहीं से खड़े होकर देखना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा है, तकरीबन राउंड अगर जब घोड़ा लेता है तो 10 किलोमीटर का पूरा राउंड रहता है,
और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो बड़ी वाली, उस वहाँ तक है ये। और ये पूरी पार्किंग जितनी भी जगह है ये पूरा खाली पड़ा है, जब गेम होता है तो यहाँ पे पार्किंग आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, सब भरा रहता है। यार मैंने सोचा था कि यहाँ पे गेट खुला होगी और आप सभी को दिखाऊंगा, बट ये तो सब जाली लगा हुआ है और जो अंदर का नज़ारा है मेन, वो आप लोगों को नहीं दिखा पाया, काफी अफसोस है। बहुत उम्मीद लेकर आया था कि दिखाऊंगा आप सभी को, क्योंकि मैंने कभी आया हुआ हूँ बहुत बार और सामने से अंदर बैठ के मैंने देखा है रेस। और बाकी यहाँ पे घोड़ों की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, एनी टाइम ट्रेनिंग होती रहती है, राउंड लगाते रहते हैं, तो मुझे लगता है राउंड काफी बड़ा रहता है यहाँ से लेके तकरीबन, नहीं तो 10 किलोमीटर का तो राउंड होता होगा, एक राउंड 10 किलोमीटर का हो है, क्योंकि काफी जगह पड़ी है ना यहाँ पे इसके लिए। तो चलते हैं अभी बाहर की तरफ निकलते हैं, क्या कर सकते हैं अभी, सॉरी दोस्तों अभी गेट ही बंद है और कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, अभी मेरे हाथ में नहीं है तो ये गाड़ी हाल स्टार्ट होती नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोल है नहीं तो इसमें सीएनजी से स्टार्ट करना पड़ता है। अभी स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, इसको पहले सीएनजी पे करना पड़ता है ना ट्रांसफर, अभी हो गई, अभी स्टार्ट हो गई, हो गई स्टार्ट। तो क्या कर सकते हैं, अफसोस है काफी। अरे छांव है काफी अच्छी है यहाँ पे, मतलब आराम कर सकते हो, गाड़ी वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हाजी अली आया हुआ था हाजी अली के गेट पे, क्योंकि एक चीज जो है, एक बंदे का कॉल आया था गांव से, कह रहा था कि हाजी अली से कुछ लेकर आना है मेरे लिए, इसके लिए जो है मैं उसे उसके कहने पे गया हुआ था, लेकिन वो बंदा तो मिला नहीं मुझे, कह रहा था कि भैया मैं आऊँगा शाम को 6 बजे, तो मैंने कहा कि भैया मैं 3 तारीख को जा रहा हूँ और आप लोग जो है भिजवा दीजिएगा मेरे पास में, तो उसने बोला ठीक है मैं 22 तारीख को ही देके चला जाऊंगा आपको, तो मैंने कहा ठीक है। ये है गेट, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे अपन, यहाँ से राइट लेके हम बाहर जा सकते हैं। अभी दोपहर को 2:15 हुआ है और गर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब इस टाइम पे एसी चला के ही चलना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि मतलब मैं एसी चला के ही चल रहा हूँ, तो ठंडी जो है मॉर्निंग के टाइम पे वो भी 3-4-5 बजे सिर्फ पड़ती है, और वो भी पंखा बंद करने की जरूरत नहीं है, चादर ओढ़ लेंगे और पंखा चालू रहेगा तो आराम से हम सो सकते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती ना यहाँ पे इसके लिए। तो अब लगी है मुझे प्यास, मुझे पानी का बोतल लेना चाहिए, तो वही मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कहीं दुकान मिल गई